मामले में तो आज ऐसा हो चुका है कि लोग इन लोगों को लग रहा है, इन लोगों ने सिर्फ एक पार्टिकुलर जो सरकार है, जो महाराष्ट्र में शिवसेना प्लस कांग्रेस और मतलब कि गठबंधन वाली जो सरकार है, इन लोगों का लग रहा है कि टीआरपी जो है ना सिर्फ बढ़ाने से और पैसा खिलाने से मिलता है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, दिस इज अजीता सिंह बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि अर्णव गोस्वामी जैसे रिपब्लिक भारत के जो चीफ हैं और एक टाइम्स नाउ, ये दोनों पे, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये दोनों पे कंप्लेन हुआ था कि ये लोग पैसे देकर टीआरपी बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया था, मतलब कि पूरा मीडिया को, पूरा देश को, जनता को बताने का काम किया था, उद्धव सरकार का प्रिय सिपाही परमवीर सिंह जो डीजीपी हैं मुंबई के, तो उन्होंने इसमें रोल ज़्यादा प्ले किया था। तो उन्होंने, कोर्ट ने उनको साफ साफ ऐसा फटकार लगाया है कि आप समझ नहीं सकते। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई, टीआरपी पैसे से नहीं बढ़ाया जाता, हर चीज़ पैसे से ही नहीं होता है। उन्होंने सच दिखाया, सुशांत का मैटर दिखाया, सुशांत पे पूरा बॉलीवुड को नंगा कर रहा है और उस वजह से पूरा पब्लिक उसको, सच पब्लिक देख रही है, इसलिए टीआरपी बढ़ रही है, ना कि पैसे खिलाने से टीआरपी बढ़ती है। अगर पैसे खिलाने से टीआरपी बढ़ रही है तो बाकी और भी चैनल हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, पैसे देकर टीआरपी बढ़ा सकते हैं। क्यों, उन लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, 500 रुपये उन लोगों के पास नहीं है, 500 रुपये देखो वो भी टीआरपी बढ़ा सकते थे। भाई कितना बचाओगे उद्धव जी, आप कितना ऐसे बचाइएगा, कितना, कितने आदमी को ऐसे कीजिएगा, जो दो चैनल को आप हैरस कर दीजिएगा, क्या हुआ? कंगना रनौत को हैरस कर दिया, क्या हुआ? आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप एक राज्य में, सिर्फ राज्य में, राज्य से बाहर नहीं, पूरा देश में इन लोगों के सपोर्ट में ऑल पब्लिक है भाई, जो सच दिखाएगा उसके सपोर्ट में सब कोई रहता है। लेकिन ये तो बात आपको समझ में आ नहीं रही है, आप अपने सीएम पद का, सीएम जो पद मिला है आपको, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि कैसे भी करके, किसी को भी करके, आप अगर सीएम बने हैं, आपके बेटे कुछ करें या आपके चाहने वाले में से कुछ करें, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, यहाँ पे संविधान के थ्रू चलता है, ना कि राजतंत्र नहीं चलता है कि आप जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सब तानाशाह जो सरकार चला रहे हैं, तानाशाह जैसा सरकार जो चला रहे हैं, ये बंद कीजिए। अरे बाला साहब का नाम आप खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो ये चीज़ को बंद कीजिए और जो चीज़ सच्चाई है वो पब्लिक के सामने आने दीजिए। अगर वीडियो सही लगे तो आप कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जो हो उसको दबाइए कि नोटिफिकेशन हमारे, जब भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए, मेरे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद।